टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड एल वन एंड एल टू, ये एल वन होगा, आर मेड ऑफ मटीरियल हुज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन अल्फा टू है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर का, डिफरेंस बिटवीन लेंथ का मतलब एल टू माइनस एल वन या एल वन माइनस एल टू, जो भी बड़ा है वो कैसा रहता है, वो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर. अब देखो, जब भी ऐसी बात बोल दी ना कि टेम्परेचर के साथ कॉन्स्टेंट है, कैसे फिर इसको आगे प्रोसीड करा जाएगी, भी मेरे को इतना पता चल गया कि एल टू माइनस एल वन जो है वो कॉन्स्टेंट है विद टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो राइट हैंड साइड जीरो बन जानी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना. तो लिखा जाए फिर वैसे ही, डी एल टू बाई डी टी माइनस डी एल वन बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इज जीरो, और इसको लिख सकता हूँ मैं एल टू अल्फा टू डी टी, इसको लिख सकता हूँ एल वन अल्फा वन डी टी. तो अब ये यहाँ से चाहिए क्या अपने को वैसे, एल वन बाई एल टू. अच्छा, बस रेशो ही चाहिए या रिलेशन चाहिए, मैं एल वन बाई एल टू निकाल लेता हूँ. तो डी टी से डी टी उड़ा देंगे, तो एल वन बाई एल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फा टू बाय अल्फा वन, उल्टा रेशो आ जाना चाहिए. एल वन बाई एल टू ये तो सेम आ गया, बी हो जाना चाहिए, राइट. आसान है बात.